हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई कोचिंग क्लासेस। आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी सुलभ भारतीय स्वाध्याय पाठ क्रमांक 2 वाली स्कोन देखने वाले हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस है और भाषा बिंदु भी हम देखेंगे, इसीलिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां करो। प्रश्न पहला, उत्तर लिखो। गेहूं के दानों को चार बहनों ने क्या किया? क्या किया चार बहनों ने? So, उत्तर में हमें लिखना है, गेहूं के दानों का चार बहनों ने किया। फर्स्ट, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी का एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में दानों को बो दिए और चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा गई। नेक्स्ट प्रश्न है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। ये जो क्रम दिया है उसको हमें उचित घटनाक्रम से लगाना है। सो फर्स्ट आएगा आपका, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा आएगा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा आएगा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और चौथा है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ये आएगा हमारा घटनाक्रम, उचित घटनाक्रम है ये। तीसरा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला है, जरूर इसके पीछे कोई डैश डैश होगा। सो इसके पीछे क्या है? मकसद। आपको मकसद ही आंसर लिखना है। दूसरा है, सो में उन्हें डैश डैश खा गई। भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर, सो में उन्हें भुनवाकर खा गई। तीसरा है, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश डैश हो, रानी, युवरानी, उत्तराधिकारी। तो क्या है? उत्तराधिकारी, यही हमारा आंसर है। चौथा है, इसे तुम अपने पास रखो, डैश डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4, 7 और 5 साल। तो कितने साल मांगने वाला था राजा? 5 साल बाद मांगने वाला था। यहाँ पे आपको 5 लिखना है। चौथा है, परिणाम लिखो। पहला है, गेहूं के दानों को बाने का परिणाम, 5 वर्ष में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। सो गेहूं के जो दाने थे उनको क्यों बो दिया था? क्योंकि उसमें 5 वर्ष बाद बहुत सारा गेहूं आएगा, इसीलिए उसको बो दिया था। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। सो क्या परिणाम था? राजा को बड़ी निराशा हुई, इसीलिए राजा ने कड़क कर पूछा था। तीसरा है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, दाने सड़ गए। दूसरी जो राजकुमारी थी उसने संदूकची में दानों को डाल दिया तो वो दाने क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, उसने सच्ची बात बता दी। में क्या है? रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों के ढूंढकर लिखो। पाठों से हमें वाक्य ढूंढकर लिखना है। सरल वाक्य, सो पाठ में कौन से सरल वाक्य दिए हैं? पहला है, एक राजा था। दूसरा है, चौथी और बेटी बच्ची तनिक बच्ची थी। समय पर अंकुर फूटे, ये तीसरा है। अभी हम संयुक्त वाक्य देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। दूसरा संयुक्त वाक्य है, बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई
और राजा को दे दिए। तीसरा है संयुक्त वाक्य, जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। अभी हम मिश्र वाक्य देखेंगे। सो मिश्र वाक्य में पहला है, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरा मिश्र वाक्य है, तीसरी बहन सोच रही थी कि इसका क्या करूं। तीसरा मिश्र वाक्य है, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने इन्हें यूं ही नहीं दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके बाय।